आप देख रहे हैं KDS न्यूज, बेहतरीन खबर के हमारे चैनल पर लाइव। गेंदला मऊ सीतापुर 25 वर्षीय युवक की गला रेत कर हत्या। अज्ञात व्यक्तियों ने हत्या कर शव को गन्ने के खेत में फेंका। सीतापुर से पंकज कश्यप की रिपोर्ट। मंगलवार देर शाम संदना थाना क्षेत्र के केसवा मऊ में गांव के 3 युवकों ने गांव के एक युवक की देर शाम हत्या कर शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया, जिससे समूचे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया। बवाल होने की आशंका के चलते गांव में भारी पुलिस बल तैनात हो गया। हाल फिलहाल गांव में शांति का माहौल बना हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार संदना थाना क्षेत्र के अंतर्गत केसवा मऊ गांव में हरीश 25 वर्ष पुत्र श्यामलाल की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। अज्ञात व्यक्तियों ने हरीश की हत्या कर शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया। परिजनों ने गांव के 3 युवकों पर हत्या का आरोप लगाया है। बवाल होने की आशंका के चलते मौके पर कई थानों की पुलिस मौजूद है। हाल फिलहाल स्थिति सामान्य बनी हुई है। तो हत्या की घटना सामने आई है, क्या सर मामला है और कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है, क्या है सर पूरा मामला? एक्चुअल में ग्राम केसवा मऊ है, थाना संदना में। वहां जानकारी हुई कि हरीश नाम का व्यक्ति है, उसकी मौत हो गई है, उसके सर पे गहरी चोट है। हमारे थाने की पुलिस, हमारे क्षेत्राधिकारी और मैं स्वयं मौके पर हम लोग गए थे। वहां जानकारी हुई कि उसी गांव में दोनों अर्कबंसी समाज के लोग हैं और दोनों सगे पटीदार हैं। शत्रुघ्न है और एक हरीश है। हरीश 3 साल पहले शत्रुघ्न की बेटी को लेकर कहीं बाहर चला गया था और बाद में वो लौटा तो दोनों कॉम्प्रोमाइज हो गया था। दोनों ने अपनी अपनी शादी कर ली, कोई विवाद नहीं था। आज ये लोग सब आपस में गन्ने के खेत में गन्ना काट रहे थे। शत्रुघ्न की वाइफ ने कुछ हरीश से कोई बात कही, उस प्रतिकार किया उसने, वहीं सब में आपस में मारपीट हो गई। और जो गन्ना काटने के लिए हसुआ ये सब लोग लिए थे, उसे लोगों ने आपस में प्रहार कर दिया। एक गहरी चोट हरीश के सर पे लग गई, जिससे उसकी मौके पे मौत हो गई। हम लोग वहां मौके पे गए थे, मुकदमा इसमें लिखा जा रहा है। जो मुख्य आरोपी शत्रुघ्न, इसके लगभग 40 साल है, उसके हम लोग गिरफ्तार कर लिया, उसने घटना करना स्वीकार भी कर लिया है। पूरा घटना वास्तव विवाद खाली आकस्मिक घटना के रूप में प्रकाश में आई है, जिसमें ये लोग गन्ना काट रहे थे, वहीं आपस में बातचीत हुई और हाथापाई शुरू हुई। क्योंकि गन्ना काटने का हथियार इनके हाथ में था, उससे प्रहार आपस में लोगों ने किया, एक घाव लग गया हरीश, जिससे उसकी मौत हो गई। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, हमारी फोर्स मौके पर है। गिरफ्तारी हम लोगों ने मुख्य अभियुक्त की कर लिया है और डेड बॉडी को हम लोग भेज रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए। सर, आरोपियों के घर में तोड़फोड़ हुई है, इस पर कुछ कहेंगे? एक्चुअल में दोनों सगे पटीदार हैं, अर्कबंसी समाज के हैं, आपस में मकान है और जो प्रधानमंत्री आवास योजना में इनको आवास लाट है, उसके सामने वो छप्पर डाल रखे हैं, उसी में 2 बोरी गेहूं रखी हुई थी। कुछ लोग पुलिस के आने के पहले ही, चूंकि घटना बहुत पहले की थी, वो बोरी गेहूं लाके बाहर फेंक दी थी। कोई बड़ी तोड़फोड़ घटना घर में नहीं हुई है और मौके पुलिस हम लोग तैनात कर दिए हैं। ठीक, थैंक यू।